हेलो एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स आप लोग। तो ये देखिए, आज मन हुआ घूमने का तो हम घूमने निकल आए हैं थोड़ा। आज आप लोग सोचेंगे कोरोना चल रहा है घूमने का, लेकिन घर में भी बोर बहुत हो गए थे, लेकिन हम पूरे प्रिकॉशन के साथ निकले हैं अपने, और थोड़ी शॉपिंग वगैरह करेंगे ये वी मार्ट से। अच्छा लग रहा है, थोड़ा बाहर बहुत टाइम बाद निकले हैं, अकेले ही अपनी फ्रेंड के संग आई हूँ। और ये वी मार्ट से अब मैं निकल रही हूँ। मैंने एक शर्ट ली है अपने हस्बैंड की, ये सामने देखिए गाला एजेंसी है हमारे, बहुत ही फेमस बरेली की शॉप। ये देखिए कितने छोटे छोटे स्प्रे करने के लिए इसमें मिल रही हैं, छोटे छोटे बड़े हर साइज के, बहुत ही पूरे मॉल में बहुत ही खूबसूरत बिक रहे हैं इस समय। ये हम लोग मैंने मैं ही एक ले रखा था छोटा सा, ये देखिए कितने प्यारे प्यारे हैं स्प्रे करने के लिए। इस समय तो कोरोना की वजह से हर शॉप पर बहुत ही अच्छी चीज़ इस तरह की मिल रही है। और हमारे यहाँ ये बरेली की बहुत ही फेमस शॉप है गाला एजेंसी। कहते हैं कि एक छत के नीचे हर चीज़ मिलना, तो वही बात है, यहाँ एक ही छत के नीचे हर चीज़ मिलती है, एक्स वाई जेड क्रॉकरी से लेके और आपके फर्नीचर वगैरह। बहुत बड़ी शॉप है हमारे बरेली की फेमस, कितने प्यारे प्यारे ये देखिए सब चीज़। और कोरोना चल रहा है लेकिन फिर भी भीड़ काफ़ी थी मॉल में भी। वी मार्ट में गई थी, यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी भीड़ काफ़ी थी। और गाला एजेंसी हमारी वहाँ तो फेमस है, वो वहाँ पे तो 24 घंटे काफ़ी भीड़ रहती है, तो थोड़े थोड़े लोग करके अंदर भेजते हैं, क्योंकि ज़्यादा भीड़ वहाँ भी थोड़ा प्रिकॉशन लिए जा रहा है और सैनिटाइज वगैरह करके सबको अंदर जाने देते हैं। मैं तो बहुत टाइम बाद गई थी एजेंसी गाला एजेंसी, क्योंकि मुझे तो कुछ लेना था तो वो मिल नहीं पाया। लेकिन हम लोग घूम करके थोड़ा, फिर भी कहते हैं ना जब मॉल कहीं निकलते हैं तो शॉपिंग हो ही जाती है, कुछ ना कुछ ले ही ले, ज़रूरत की चीज़ लेनी ही पड़ जाती है। तो नैपकिन्स वगैरह हैं, ख़त्म हो गई थी सिल्वर फॉल वगैरह, तो वो हमने ले ली थी मेरी फ्रेंड्स ने और मैंने, तो थोड़ा बहुत जो सामान था वो ज़रूरी ज़रूरी वो ले लिया था। काफ़ी भीड़ थी तो हम लोग जल्दी निकलने की कोशिश कर रहे थे थोड़ा। और ये देखिए काफ़ी अच्छी चीज़ मिलती है हमारे गाला एजेंसी बरेली के, बहुत दूर दूर से लोग इधर आते हैं, और हर चीज़ एक्स वाई जेड इसके यहाँ हर चीज़ अच्छी मिलती है, क्वालिटी में भी और वैरायटी बहुत ही अच्छी अच्छी। सारा हम घूम करके ये मार्केट में अपने, और थोड़ा एक घंटे करीब बाहर रहे तो थोड़ा अच्छा लगा, काफ़ी टाइम बाद निकले घर से। ये सारे यहाँ पे मेरी फ्रेंड्स ने भी मेरे साथ छोटा मोटा सामान लिया। ये देखिए काफ़ी दूर तक लोग भी, पीछे भी काफ़ी गैप से वो लोग शॉप पर जो उनके काम करने वाले लोग थे वो हटा हटा के दूर दूर कह रहे हैं दूर दूर थोड़ा चलिए आप लोग। ये देखिए जार है, ये शेक वगैरह पीने बच्चों का, कितना खूबसूरत लग रहा है, शेक वगैरह बनाइए इसमें, काफ़ी अच्छी चीज़ मिलती हैं इनके यहाँ गाला एजेंसी पर। और वैसे तो मैं लेने गई थी, मुझे मोदक का सांचा नहीं मिल पा रहा था तो वो देखने गई थी, लेकिन वो भी यहाँ पर अभी मिल नहीं पाया इस समय हमारे गणेश तो सब चल रहा है, तो काफ़ी हर जगह मोदक वगैरह लोग बनाते हैं, तो मुझे मिल नहीं पाया मोदक का। ये देखिए पीछे भी काफ़ी भीड़ है सब तरफ, बहुत बड़ी शॉप है ये, अंडरग्राउंड नीचे बनी हुई है, ऊपर थर्ड फ्लोर तक बहुत ही अच्छा बना हुआ मार्केट जैसा है। और बाकी मैं ये पूरे शॉप पर देखिए, मैंने अपनी फ्रेंड के साथ मास्क वगैरह भी लेना था, थोड़ा ख़राब हो गए थे मेरे घर के बनाए हुए, मैं घर पर भी मैंने बनाए हैं वो भी लगा लेते हैं हम लोग। तरह तरह के दो तीन तरह के मैंने बनाकर अपने बेटे को अपने हस्बैंड को भी घर का बना हुआ मास्क दे रखा है, तो मास्क भी मैंने वैसे भी लिए थे अच्छे मिल रहे थे वी मार्ट में, तो मास्क लिए थे दो, एक बेटे के लिए और एक अपने लिए लिया। और फ्रेंड्स मैंने आज बिस्किट बनाए हैं बिल्कुल बेकरी स्टाइल, और बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं, आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा।
क्योंकि इस समय हम लोग बाहर की चीज़ मैं तो काफ़ी अवॉइड करती हूँ, क्योंकि घर पर ही हो सकता है, वही घर पर बनाने की कोशिश। तो देखिए, मैंने ये एक कटोरी बिस्किट बनाने के लिए मैंने ये एक कटोरी आटा ले रखा है, और उस जो कटोरी मैंने ले रखी है उससे हाफ कटोरी बेसन, जो भी आप साइज लें कटोरी या कप का, उससे हाफ बेसन हाफ कटोरी, और ये थोड़ा सा नमक, कोई भी मीठी चीज़ बनाते हैं तो उसको बैलेंस करता है नमक, और ये हमने आधा ही कटोरी चीनी पीसी ले रखी है, और ये जीरा है, और आधी ही कटोरी हमें ये देसी घी लेना है, जमा हुआ लीजिएगा थोड़ा पिघला हुआ, और इस तरीके से इसको हम मल लेंगे। अब इसको अच्छे से मल लीजिएगा, और बहुत ही खस्ता और फोके बिस्कुट बनते हैं इससे। ये देखिए हमारा डो तैयार हो गया है इसका, बिस्किट का। अब हमने देखिए एक केक जिसमें बनाते हैं ये ले रखा है, उसमें हमने सिल्वर फॉल लगा दिया है, और इस पर थोड़ा सा ब्रश है या हाथ से आप ऑयल लगा दीजिएगा। और इस कढ़ाई में ये मैंने नमक डाल दिया है, आप चाहें तो नमक डालिए, नहीं तो इसमें इस तरीके देखिए ये आया हुआ है इसका, कुछ भी हम गरम बर्तन जिस पे रखते हैं स्टैंड सा वो रख लीजिएगा। इस तरीके से आप लोग ही बनाइएगा बिस्किट की, और हाथ से दबाते हुए इस तरीके से इसको शेप देना है हमें, आप गोल या चौकोर जैसा भी आप शेप देना चाहें उसको दे सकती हैं। आटा बिस्कुट बहुत ही बढ़िया बनता है बिना ओवन का। इस तरीके से चाकू से साइड इसके काट दीजिएगा बिल्कुल, देखिए ये, और इसी चाकू की सहायता से हम इस तरीके से इसमें कट लगाएंगे। इसकी डिजाइन अच्छे से बन के तैयार हो जाती है, ये देखिए ये हमने एक रेडी कर लिया है। इस तरीके से इसको हटा के रख लीजिएगा अलग, फिर हम तैयार करते हैं एक और आपको दिखाते हैं। इस तरीके से ये भी आप साइज छोटा या बड़ा जैसा बिस्किट का रखना चाहें, गोल या चौकोर इस तरीके से हथेली की सहायता से दबा करके इसके कट निकाल दीजिएगा अच्छे से, ये इसका शेप अच्छा आ जाता है। देखिए अब हम इसमें भी इस तरीके चाकू से कट लगा लेंगे धीरे धीरे, काफ़ी सॉफ्ट होता है और बहुत ही सॉफ्ट बिस्कुट बन के तैयार होते हैं ये। आप जीरे की जगह अजवाइन भी डाल सकते हैं। ये देखिए मैंने सारे रेडी करके रख लिए हैं, और हम अभी कढ़ाई जो हमने रखी हुई है ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, और हम इसमें बिस्कुट अब एक एक करके रख देंगे इस तरीके से, जितने भी इसमें आ पाते हैं। सेकंड राउंड में हम बाकी सेकंड राउंड में तैयार कर लेंगे। और ये दूध में मैंने चीनी पिसी मिला ली थी, इस ब्रश की सहायता से हम इसको दूध इस पर इस तरीके से लगाएंगे ब्रश से, इसमें चीनी मिली हुई थी थोड़ी पिसी हुई, और इसके ऊपर आप पिस्ता या चीनी या कोई भी जो भी चाहें काजू बादाम आप लगा सकती हैं। मैंने इसमें थोड़ी चीनी डाली हुई है और इसमें बादाम डाला हुआ है ऊपर से, ये देखिए इसको हमने इस तरीके से तैयार कर लिया है, और हम ये चीनी डाल देते हैं थोड़ी थोड़ी, इससे बहुत ही अच्छा कलर और टेस्ट अच्छा आता है। ये चीनी डालने के बाद मैं थोड़े थोड़े इस तरीके से बादाम चिपका दूंगी इसके ऊपर थोड़े थोड़े से, वैसे आप पिस्ता वगैरह भी डाल सकते हैं काजू। इसमें मैंने नमक रखा हुआ है, और इसको 10 मिनट
के लिए हम छोड़ देंगे ऐसे, जिसमें इसे अच्छी हीट तैयार हो जाए और बिल्कुल एकदम से आप उघाड़ के इसको निकाल, इसमें एकदम से रख दीजिएगा, एकदम ढक दीजिएगा जिससे हीट इसकी निकल ना सके ज़्यादा, और इसको अच्छे से ढक दीजिएगा। अगर हीट इधर से निकले तो ऊपर कोई भारी वजन रख दीजिएगा जिससे इसकी हीट निकले नहीं। ये देखिए हमारे बिस्किट रेडी हैं, 10 मिनट में तैयार। आप 10 मिनट के लिए मीडियम गैस पर छोड़ दीजिएगा। ये देखिए कितने अच्छे खस्ता बिस्किट तैयार हुए हैं, बहुत ही टेस्टी बिस्किट। प्लीज़ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरी वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक